आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल किन्नौरी क्वीन में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बर्फ पड़ी है, इसके कारण जो है किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ चुकी है, क्योंकि ये जो किन्नौर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो है ना एक ही बारी फसल, साल में एक ही बार फसल आता है, चाहे आप फ्रूट्स का बोले चाहे अनाज का बोले, तो यहाँ पे साल में सिर्फ एक ही फसल होता है। तो वो फसल भी डिपेंड करता है हमारे यहाँ के मौसम पर, यहाँ के एनवायरनमेंट पर। तो बर्फ़ पड़ी है तो इसलिए चेहरे सबके खिले खिले हैं, खुश है सभी कि मौसम पड़ गई, लेट ही सही पर मौसम जो है बर्फ़ पड़ी गई। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है तो किस तरह से जो हमारा जीवन होता है वो किस तरह से हम लोग व्यतीत करते हैं। बर्फ नहीं होता संसार में, जो है हमारा नमी खत्म होना था आज जी सब। हाँ, बर्फ तो होना ही चाहिए और आए उसमें बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सब, बर्फ तो चाहिए और माँ बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सब, मतलब और चाहिए बर्फ, और चाहिए बर्फ हमारे को, और बर्फ इससे ऊपर और ज्यादा चाहिए। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी थोड़ा सा मैं मुखिया जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ का ढनेरो बुलाओ था वो पहुँचने जा रहा हूँ। ढनेरो होता है पूजा करने के लिए, नेश्वर देवते के पास पूजा करना, और जहाँ देवता आएगा उस टाइम धूप निकालने के लिए उस टाइम ची होता है। हाँ जी, उस टाइम के लिए तब लेते हैं और सब कुछ उस पॉइंट में लेते हैं, नहीं तो किस कर्म का दुनिया को काम नहीं होता है। वो जब देवते बड़े 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 देवते आएंगे उसके बाद दुपंग तनु तब है प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं शांत दूंगे कहते साहब, थोड़ा पी लिया मैं भी, क्या करूं, खुशी से दारू पी रहा हूं, खुशी से बर्फ आ गया तो हम भी खा रहे पी रहे, उसे क्या करना है सर, है गमरी चल रहे फिर रहे हमें रोशन बिल्कुल ओके। डब्लू हमेशा यहीं पे रहता है, जब भी कोई आता है बाहर से स्वागत करने के लिए। क्यों डब्लू, चल मेरा डब्लू, तू चल। तार इसलिए जोड़ रहे क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर जोड़ा जाएगा। फोन करके तो फोन ही लग रहा था पहले। हाँ ओ यार, पौधे खा रही है यार, ये पौधे खाएगी भाई, ये इसको छोड़ा किसने? हे भगवान, कैसी निकली होगी ये, लोगों को ठंडी नहीं लग रही। ओ डब्लू, ये देखो गाय को भी मस्ती चढ़ी हुई है, काम निकल जाता है भाई, क्या करना। अंकुलू तो प्यार से करना पड़ता है हैंडल, गाली दे तो भाग जाती है। चलो अली अंकुलू, इतने बर्फ में भी गाय को बाहर छोड़ रहे है, फिर गाली पड़ती है मेरे को गाली दे रही मम्मी है, नाच रही है यहाँ, आ गई है। तो इसको कल भी नहीं छोड़ा था, आज भी नहीं छोड़ा होगा, फिर सोच रही होगी क्यों नहीं छोड़ रहे ये लोग। और ये देखो गाय के कहाँ तक बर्फ पड़ रही है, देखो पूरी टांगे डूब रही है इसकी है। इसको तो खेलने के लिए तैयार रहता है। बकाले बुतो, हरे मामी देखा कैसे आ गई, हाय मैं मसर रिया थे। हाँ तब इसको ऐसे लग रहा होगा, ये देखो रस्सियों के साथ ही भागी है ये हमारा गट्टू। थकुल्ले तो बन बन दाजी तो क्यों वो नहीं को डे अन बुतो। हाँ हाँ, गट्टू तो ऊपर रहता है छोटे से कमरे में जहाँ पे मन को भी है। ये देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। वाह, यहाँ तो खेल रहे हैं भाई सिद्धि और फ्राहिल, तो आग यहाँ पे जला दिया है और लाइट नहीं है। क्या खेल रहे हैं आप दोनों? शाबाश खेलो, मैं फटाफट से डिनर बनाती हूँ, ठीक है? डिनर बनाते हैं क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, डिनर को हम बनाते हैं डिनर। आग क्यों फ्राहिल, अच्छे से सेको आप। दोस्तों हम कर रहे हैं डिनर हमारा हो चुका है रेडी, इसमें मलका दाल है और उसमें है चावल। पांच कोली नहीं, पांच गिलास लगाया तो खाना हमारा लग रहा है।
पाएगा। तो दोस्तों मैं झाड़ू मार रही हूँ, हमारा डिनर जो है हो चुका है। मम्मी आजकल हमारे को रात को गाना सुनाते हैं। तेरे लिए लाया दिल्ली के नो लगे सजुदी लाड़ी चावानी है, तेरे लिए लाया दिल्ली के नो लगे सजुदी चावानी है, तेरे लिए लाया चूड़ी के नो लगे सजुदी लाड़ी चावानी है, तेरे लिए लाया चूड़ी लगे सजुदी। वाह वाह वाह। सी मेरा नाव जातिर ब्राह्मणी शब्बशे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। शटुआ गे भी पूछ भला जाता आगे ना पूछ दे लड़ी शावानी, भी पूछ भला जाता आगे ना पूछ दे। लंबा हो गए मम्मी तो। कितना बड़ा शेर, इतना बड़ा। किसने बोला शेर आ रहा है? सच बोल रहे हो? बिल्ली थी। अंदर किया? पता नहीं अंदर किया। सच में डर गए आप? अटैक तो नहीं करेगा दीदी को? हाँ जी। अटैक तो नहीं करेगा? नहीं करेगा अटैक। क्यों, आदमी को नहीं करता? करता है, आदमी को भी क्यों नहीं करता है? छोटे आदमी को? छोटे को भी करता है। बड़े को? बड़ों को भी करता है। कैसे? फिर बात क्यों, फिर लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए हमारे को अंदर रहना चाहिए किचन में, ठीक है? ये जाएगी तो हाँ, बाहर नहीं जाएंगे हम। ओके बैठो फिर। मैं बैठी हूँ। चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कोदे का चिल्टा। हो गया ये हो गया है। अब मैं लगाऊंगी दूसरा चिल्टा। इस तरह से लगाया जाता है, फिर इसको इस तरह से घुमाया जाता है ताकि अच्छे से गोल बन जाए। नमकीन चाय तैयार है। नमकीन चाय पीने वाले नमकीन चाय पियो, दूध पीने वालों ने दूध पी लिया है। मैं ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, खा रहे हैं। कोदा का चिल्टा मैंने बना दिया है। कोई रोटी खा रहे हैं, कोई दूध के साथ खा रहे हैं चिल्टे, कोई मक्खन के साथ खा रहे हैं। खचे जाओ तुम। मैंने खा लिया है। घी के ऊपर कहाँ लगा रहे, गल जाएगा घी। अच्छा जानबूझ के लगाया गलने के लिए। तो जैसे खाना है खाने दो ना, जिसने जैसा खाना है। मेरी चाय भी आ चुकी है यहाँ पे, मैं खाऊंगी चाय के साथ चिल्टा और बटर। अब हम यहाँ चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाओ, दाल लगाऊं? रुको, दाल लगाती हूँ। ये है हमारा दाल, हम इसको चूल्हे के ऊपर पकाते हैं हम इसको। तो क्यों ना मैं बाहर का मौसम भी दिखा दूं। अंदर तो ब्रेकफास्ट चला हुआ है, बाहर का मौसम आज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, बेटर हो गया है। क्या सुंदर नजारा है आज। इस तरफ धूप लगी हुई है और इस तरफ धूप नहीं लगी है। अभी यहाँ तक पहुँचने में अब भी कम से कम लगेगा, लगेगा यहाँ पे पहुँचने में। अभी 10:30 बजे पहुँचती है धूप, अभी तो 9:30 भी नहीं बजे है। तो ये देखो ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को पेड़ों में, तो वहाँ से इधर पहुँचते जो है ना टाइम लगेगा। तो इस तरफ भी लग चुकी है ऊपर वाले पहाड़, आजकल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब भी मैं देखती थी ना मुझे बहुत बुरा लगता था जब वहाँ पे बर्फ़ नहीं दिखता था, तो आजकल बर्फ़ है वहाँ पे तो खूबसूरत है। ये देखो यहाँ पे शान हो चुका, बिल्कुल जम चुका है। और यहाँ पे वे फिसलूँगी तो ना बजेंगे मेरे सीधा। वो ये यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे जब दिन को धूप आएगी ना ऐसे पानी गिरेगा यहाँ से टिप 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 टिप, आधा पानी आधा बर्फ़ तो जो है नीचे गिर चुका है यहाँ पे। देखिए
तो जो है ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त ठंड है अभी इस वक्त। अगर कोई आधा घंटा भी बाहर रह जाएगा तो कोल्ड स्टोर जैसे ही ठंड है, जाम हो जाएगा वो। और यार इधर रखा है डस्टबिन, तो इसको फेंकेंगे बाद में धूप आके, क्योंकि ठंड है अभी। इस लोग कितना साफ है ना, आसमान एकदम क्लीन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस को देख रहे हो, और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ज़रूर कमेंट करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।